जिल्ह्यामध्ये विनाकारण फिरणाऱ्यांची संख्या रोजच वाढत आहे, त्यामुळे आज जिल्हाधिकाऱ्यांनी पोलीस प्रशासनाला सक्त आदेश दिल्यानंतरही बाहेर आलेल्या दुचाकी चारचाकी वाहने जप्त करण्यात आली. यामध्ये शहरातील साठे चौक, सुभाष रोड, छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, राजीव गांधी चौक, माळीवेस, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर चौक, बलभीम चौक, कारंजा, बशीरगंज आदी ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात कारवाई करण्यात आली. तसेच वाहनांची हवा देखील सोडून देण्यात आली. या कारवाईमुळे आज मोकाट फिरणाऱ्या विघ्नसंतोषी लोकांना चांगलाच चोप बसला आहे. कॅमेरामन दीपक जाधवसह झुंजार नेता लाईव्ह टीम बीड. जिल्हाधिकारी के ऑर्डर के मुताबिक जिला में 2400 घंटा टू व्हीलर्स, प्राइवेट टू व्हीलर्स जो कि एसेंशियल कमोडिटीज़ या सर्विसेज कोई संबंध नहीं है, उनको चलने से वर्जित किया गया था. इसके बावजूद ये देखा जा रहा था कि कर्फ्यू रिलैक्सेशन के पीरियड, मतलब कि 11 बजे से 3 बजे के पीरियड में कई प्रकार के प्राइवेट लोग जो हैं वो मोटरसाइकिल्स या फिर फोर व्हीलर गाड़ी पर निकल रहे थे. इसके बावजूद प्रशासन ने पिछले एक दो दिन तक एक सॉफ्ट अप्रोच लिया, और ये तब जबकि पूरे शहर को विविध भागों में बांटा गया है और हर भाग में दवाइयां मिल रही है, किराना मिल रहा है, उसके बावजूद ये लोग मोटरसाइकिल्स पे निकल रहे हैं. इसे बंद करने के लिए अब से बीड पुलिस प्रशासन की तरफ से बहुत ठोस और कठोर कदम उठाए जा रहे हैं. विविध प्रकार के जितने सारे रोड्स जो मेन रोड्स हैं शहर के, उन्हें दोनों तरफ से 5 टनर्स के साथ ब्लॉक किया जा रहा है, और रास्ते में जितने सारे प्राइवेट मोटरसाइकिल्स या फिर फोर व्हीलर्स मिल रहे हैं उन्हें रोक करके उन्हें सीज किया जा रहा है और उनके खिलाफ गुनाह दाखिल किया जाएगा. ये सख्त वार्निंग है बीड़ के जनता को कि अगर आपको किसी एसेंशियल सर्विस के आप भाग नहीं है, या फिर अगर आपको किसी मेडिकल इमरजेंसी से हॉस्पिटल नहीं जाना है, तो आप टू व्हीलर या फोर व्हीलर लेकर के बाहर नहीं निकलेंगे. कर्फ्यू रिलैक्सेशन समय के समय भी आपके एरिया में, हर एरिया में किराना के का प्रबंध किया गया है और दवाइयों के भी प्रबंध की गई है. वाहन पर किसी को निकलने की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है.